नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई नीरस में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि कुछ पुराने शहर थे या स्थल थे उनके नाम परिवर्तित हो गए हैं। अगर बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, तो अब इसका नया यानी परिवर्तित नाम हो गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ऐसे ही कुछ मोबाइल्स ऐप्स हैं, यानी उन्हें देखेंगे, पोर्टल के बारे में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग्स प्रदान किए गए हैं उन्हें देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग 17 से 19 में आए कुछ तूफानों से संबंधित देशों को देखेंगे। जैसे वायु, ये जून 2019 में आया था, गुजरात में भारी तबाही मचाया है भारत में। फोनी आया था उड़ीसा में, भारत में तबाही मचाया मई में। ऐसे ही तितली आया था अक्टूबर 2018 में, उड़ीसा में आया, भारी तबाही मचा के गया। ऐसे ही अगर बात कर लेंगे तो नोरा मार्स 2018 में आया था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। तो इस पे आधारित होगा, और वनडे एंट्रेंस में इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ नया पुराना नाम, इससे तो पक्का है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया, तो उनके नाम पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में उसका नाम ही परिवर्तित कर दिया गया है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तथ्य देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब नया नाम जो हो गया है, परिवर्तित नाम, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, बोगी बोली पुल या नया रायपुर। ये असम का पुल था, वहाँ पे बोगी बेली पुल के नाम से इसका अनावरण किया गया था, बट अब इसका नाम हो गया है अटल सेतु या अटल नगर। नया रायपुर का नाम अटल नगर हुआ है, और बोगी बेली पुल का नाम अटल सेतु हुआ है। ऐसे ही रोहतांग सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, अटल सुरंग के नाम पे हो गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे या हजरतगंज चौराहा, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और हजरतगंज चौराहा दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ किया गया है, जबकि हजरतगंज चौराहा का नाम अटल चौक कर दिया गया है, अटल चौक। ऐसे ही अलीगढ़, अहमदाबाद, शिमला, इन सारे के नाम चेंज हुए हैं। अलीगढ़ का नाम हुआ है हरिगढ़, अहमदाबाद का कर्णावती, और शिमला का नाम श्यामला हो गया है नया नाम। साहिबगंज हार्बर का नया नाम अटल बिहारी जी के वाजपेयी के नाम पे हुआ है, साहिबगंज हार्बर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर हो गया है। ऐसे ही अगरतला हवाई अड्डे का नाम चेंज हुआ है, ध्यान रखें अगरतला मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा हुआ है अगरतला हवाई अड्डे का नाम, महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम जोड़ा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है, कांडला बंदरगाह का नाम हुआ है दीनदयाल बंदरगाह, और साबरमती घाट का नाम हुआ है अटल घाट, साबरमती घाट का नाम हुआ है अटल घाट। ऐसे ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसका अब नाम हो गया है भामाशाह सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य बीमा के जगह पे सुरक्षा कवच आ गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नया नाम शहीद यानी अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन हुआ है बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम चेंज हुआ है, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा नया नाम हो गया है इसका। मियों का बाड़ा या फिर गांव है बरमार राजस्थान में, तो इसका नाम चेंज हुआ है मियों का बाड़ा का नाम क्या हुआ है महेश नगर, ये राजस्थान में पड़ता है। इलाहाबाद, फैजाबाद, गुड़गांव और प्रयागराज, तो सॉरी इलाहाबाद का नाम हुआ है प्रयागराज, फैजाबाद का हुआ है अयोध्या, और गुड़गांव का हुआ है गुरुग्राम। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो झारसुगुड़ हवाई अड्डा, ये उड़ीसा में पड़ता है, तो ये वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा के नाम से प्रचलित होगा। हुएलर द्वीप का नाम चेंज हुआ है, पीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हैवलाक द्वीप या नील द्वीप, तो नील द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा, जबकि हैवलाक द्वीप को हम लोग नेताजी यानी स्वराज द्वीप के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रास द्वीप का नाम चेंज हुआ है, रास द्वीप का नाम क्या हुआ है, तो इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से दिया गया है, रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
दूरसंचार आयोग था, इसका अब नया नामकरण हो गया है डिजिटल संचार आयोग, डिजिटल संचार आयोग। बात करते हैं चेन्नई सेंट्रल की, तो इसका भी नया नाम हो गया है, नया नामकरण हुआ है, पुरातात्विक तलाईवर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पुरातात्विक तलाईवर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल हो गया है चेन्नई सेंट्रल का नया नामकरण। फिरोजशाह कोटला का स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है, अभी पूर्व वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी की पहली गवर्नमेंट में वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे अरुण जेटली जी के नाम पे, इनका हाल ही में अभी देहांत हो गया, उन्हीं के नाम पे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। और यही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, यहीं पर विराट कोहली के नाम से भी एक छोटा सा कॉरिडोर बनाया गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं तूफान, तो 17 से 19 में आए हुए कुछ संबंधित तूफान हैं और उससे संबंधित देश भी हैं। कब किस डेट में आया तूफान, सबसे पहले बात करते हैं वायु, ये जून 2019 में आया है, भारत में तबाही मचाया है, गुजरात प्रांत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है। फोनी आया था मई 2019 में, उड़ीसा राज्य में आया, भारत में तबाही मचाया। गाजा नवंबर 2018 में आया था, अमेरिका में तूफान आया था, लगभग इससे 350+ लोग प्रभावित हुए थे, यानी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं तितली की, तितली अक्टूबर में आया था, उड़ीसा प्रांत में आया था, नवीन पटनायक जी की यहाँ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये समुद्री किनारा क्षेत्र है इसलिए बार बार उड़ीसा का नाम आ रहा है, फोनी हुआ, तितली हुआ, ये सारे तूफान जो हैं उसी भारत में आते हैं जहाँ पे समुद्री तट ज़्यादा प्रभावी होता है। बात करते हैं माइकल, ये अक्टूबर 2018 में आया था, अमेरिका में आया, अमेरिका में भारी तबाही मचा के गया। जेबी सितंबर 2018 में आया, जापान में तबाही मचाया। शिमरोन अगस्त 2018 में आया, जापान में तबाही मचाया। गोदारी जुलाई 2018 में आया, जापान में तबाही मचाया। अब हम लोग बात करते हैं मिसिसिपी में, मिसिसिपी में फ्लोरिडा मिसिसिपी अलबागा में अल्बार्टो नाम का एक तूफान आया था मई 2018 में, मिसिसिपी में सबसे ज़्यादा तबाही मची थी, फ्लोरिडा और अलबामा भी इसका प्रहर देखा गया था। बात करते हैं मेकुनू या सागर, ये मई 2018 के मध्य आया था, यमन की खाड़ियों में भारी तबाही मचा के गया था। बात करते हैं फिजी देश की, तो फिजी देश में आया था केनिया जोसाई नाम का एक तूफान अप्रैल 2018 में, फिजी देश में तबाही मचा के गया। नोरा मार्च 2018 में आया था, ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा के गया। रिले मार्च 2018 में आया था, अमेरिका में तबाही मचा के गया। केल्विन फरवरी 2018 में आया था, ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा के गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो शानवा फरवरी 2018 में आया था, फिलीपींस में आया था। चावल का जीन संस्थान फिलीपींस में स्थित है, ध्यान रखना, केंद्रीय चावल जीन संस्थान जीन, तो ये फिलीपींस में स्थित है। तो सानबा नाम का तूफान आया था फरवरी 2018 में, फिलीपींस में तबाही मचाया है। एलनोरा जनवरी 2018 में आया, ब्रिटेन में तबाही मचा के गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वायु, ये भी हाल ही में जून 2019 में आया है, गुजरात राज्य में भारी तबाही मचाया है। फोनी इंपॉर्टेंट है, मई 2019 में आया है, उड़ीसा में तबाही मचा के गया है। और गाजा जो अभी हाल ही में नवंबर 2018 में आया था, अमेरिका में भारी तबाही मचाया था, इससे सांत्वना व्यक्त की गई थी भारतीय राजदूत की तरफ से। तितली अक्टूबर 2018 में आया था, उड़ीसा प्रांत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है। उड़ीसा से खास बात एक और समझ में आ रही है, नवीन पटनायक जी लगातार 5वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखें, लगातार 5वीं बार। ऐसे ही शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनी हैं। बात करते हैं अब कुछ मोबाइल ऐप्स की, तो मोबाइल ऐप्स के बारे में देखेंगे, ऐप्स या पोर्टल हैं संबंधित क्षेत्र या उद्देश्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई सहज पोर्टल, किसने लॉन्च किया या किससे संबंधित है, प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मौजूद देने के लिए। ई सहज पोर्टल है प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए है। जनधन दर्शक ऐप्स, ये किसका कार्य करेगा, तो ये बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जनधन दर्शक ऐप्स लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दर्पण ऐप की, तो एक डाक बीमा कंपनियों के लिए स्पेशलाइज है दर्पण ऐप। पेंसिल पोर्टल क्या है, तो ये बाल श्रम को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। आरंभ ऐप, तो ये है सड़क सुरक्षा से संबंधित। सचेत ऐप, बैंकों को धोखाधड़ी को कम करने के लिए सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं तेज या भीम ऐप, ये डिजिटल पेमेंट से संबंधित ऐप्स है, आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, कैशलेस मनी को बढ़ावा दिया जाता है। अगर बात करते हैं दिव्यांग सारथी ऐप्स, तो यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए है, यानी विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग सारथी ऐप्स लॉन्च किया गया है। निदान सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है बीमारियों की निगरानी के लिए, निदान सॉफ्टवेयर बनाया गया है। खान प्रहरी ऐप्स, ये कोयला मंत्रालय द्वारा, पीयूष गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया था कोयला चोरी को रोकने के लिए। खान प्रहरी ऐप्स, ये इससे पहले पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखें, लोअर पीसीएस में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्राप्ति ऐप्स की अगर बात करते हैं, तो उत्पादकों को बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति ऐप्स का प्रयोग किया जा रहा है।
रियूनाइट्स ऐप से आप भारत में लापता बच्चों को ढूंढने में मदद पाएंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा जा चुका है, रियूनाइट ऐप्स क्या है, तो ये लापता बच्चों को ढूंढने में मदद करेगा, वो भी भारत में। बात करते हैं उमंग ऐप्स की। सभी को पता होगा ई सरकारी सेवाओं को आसानी तक पहुँचाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाएं जो हैं उसे आसानी से देख सकते हैं उमंग ऐप्स के जरिए। बात करते हैं सारथिया मदद ऐप्स की। ये रेलवे से संबंधित है। इसे पीयूष गोयल जी ने सारथिया मदद ऐप्स लॉन्च किया था। रेलवे को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर साबित हो रहा है। बात करते हैं ऊर्जा मित्र ऐप्स की। तो बिजली कटौती के प्रबंधन से संबंधित है ऊर्जा मित्र ऐप्स। यहाँ पर आप बिजली कटौती की सारी समस्याएँ पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ से कुछ प्रावधान दिया जाएगा, यानी कुछ आपको संबोधित किया जाएगा। बात करते हैं सागरवाणी ऐप्स की। तो सागरवाणी ऐप्स है जो वो सागरीय आपातकालीन चेतनाओं को देने के लिए सागरवाणी ऐप्स है। सागरवाणी ऐप्स का कार्य ये है कि जो तूफान आते हैं उससे भी आपको सचेत किया जाता है। जैसे कि इससे पहले फोनी आया था, वायु आया था, तितली आया था, तो भारत में सबसे पहले इससे पहले आपातकाल की घोषणा जैसे होती है, ऐसे ही सबसे पहले घोषणाएँ जारी की गई थी। इस क्षेत्र में तटीय राज्य जो हैं वहाँ से तमाम बस्तियों को खाली किया जाता है। तो सागरवाणी ऐप्स इसी के लिए स्पेशलाइज है, सागरीय आपातकालीन चेतनाओं को देने के लिए सबसे अच्छा ऐप्स है। समाधान ऐप्स की बात करते हैं तो चुनाव आयोग से संबंधित था। 17वीं लोकसभा का चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण 5 राज्यों में भी चुनाव संपन्न हुए थे, उस पर भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया है। देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही ऐप्स की बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम है। इसमें अमरनाथ यात्रियों के लिए जो लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए साथी ऐप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा से पहले अगर ये डाउनलोड कर लेते हैं तो उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस पर उत्तम ऐप्स की बात करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाश जावड़ेकर द्वारा यह जारी किया गया था उत्तम ऐप्स। बात करते हैं दीक्षा पोर्टल की। तो पोर्टल है ये शिक्षकों की जीवन शैली और डिजिटल बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। शिक्षकों की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य है। अब बात कर लेते हैं जीआई टैक्स की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हाल ही में कुछ 10-12 जीआई टैक्स प्रदान भी किए गए हैं। जीआई टैक्स की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये 2004-05 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, भौगोलिक संकेत दिया गया था। ये दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं इस बार के जीआई टैग की स्लोगन क्या है। तो अतुल्य भारत की अमूल निधि, अतुल्य भारत की अमूल निधि जीआई टैग की स्लोगन है वर्तमान में। अगर बात करते हैं कंधमाल हल्दी की, कंधमाल हल्दी ये कहाँ का है, किसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, नवीन पटनायक जी गवर्नमेंट ही यहाँ पे। बात करते हैं इरोड हल्दी, हल्दी से 3 चप, कंधमाल हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु। और अगर बात कर लेते हैं सांगली हल्दी, तो सांगली हल्दी महाराष्ट्र, अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट है, ध्यान रखना। इरोड हल्दी तमिलनाडु से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं चप्पल की, ये कोल्हापुरी चप्पल है, महाराष्ट्र और कर्नाटक दो जगह फेमस है, तो वहाँ पे इसे स्पेशलाइज जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं वायनाड रोबोस्टा काफ़ी। ये रोबोस्टा काफ़ी है वायनाड, वही जहाँ से राहुल गांधी ने अपना लोकसभा का चुनाव जीता और जाके संसद में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वायनाड का। अब हम लोग बात करते हैं अल्फांसो आम की। तो अल्फांसो आम अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। ये अल्फांसो एक आम की प्रजाति है और स्पेशलाइज प्रजाति है, इसलिए पूछा भी जाता है अल्फांसो आम कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में अल्फांसो आम पाया जाता है। अल्फांसो आम को स्पेशलाइज जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं जरदूली आम की या फिर कतरनी चावल की। तो ये जरदूली आम और कतरनी चावल ये दोनों नीतीश बाबू ने जीआई टैग प्रदान करवाए हैं, यानी बिहार गवर्नमेंट की हैं। बात करते हैं बोकासोवा चावल, तो ये असम गवर्नमेंट की है। असम बोकासोल चावल ये असम गवर्नमेंट की है। बात करते हैं अरेबिका काफ़ी, काफ़ी की बात फिर आई, इससे पहले वायनाड काफ़ी आई थी, वायनाड रोबोस्टा काफ़ी, तो ये केरला की थी क्योंकि वायनाड केरला में पड़ता है। बात करते हैं अरेबिका काफ़ी, अरेबिका काफ़ी ये कर्नाटका की है। और सिरपी सुपारी तो ये कहाँ पर पड़ती है, ये भी कर्नाटका का है, स्पेशलाइज जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब भेली की बात कर लेते हैं, भेली यानी गुण, मरयूर गुण ये केरला से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं शाही लीची या सिलाव खाजा या शाही लीची, ये बिहार गवर्नमेंट की है, स्पेशलाइज जीआई टैग प्रदान किया गया है सिलाव खाजा और शाही लीची को। इससे पहले बिहार के लिए आपने देखा था जरदूलाम और कतरनी चावल, ये दोनों जीआई टैग से नामित हो चुके हैं। बात करते हैं पंचतीर्थी प्रसादम या पंचतीर्थम प्रसादम, ये कहाँ का है, तो दांडयुक्त स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसे जीआई टैग स्पेशलाइज प्रदान कर दिया गया है। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है, इसे भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा
ये कमलनाथ जी की गवर्नमेंट है, नाथनाथ जुड़ा है, नाथ हो जाएगा कमलनाथ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जीआई टैग प्रदान किया गया है कड़कनाथ मुर्गा को। बात करते हैं अलीदाबादी द्रोका, अलीदाबादी द्रोका तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट की है, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। अभी हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नया हाईकोर्ट भी प्रदान हो गया है, 24वें नंबर पे अब तेलंगाना का हाईकोर्ट हो गया है और 25वें नंबर पे आंध्र प्रदेश का संयुक्त रूप से हाईकोर्ट हो गया है। तो तेलंगाना इससे भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है इस समय। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की, जैसा कि पहले हमने बताया था भौगोलिक क्षेत्र यानी भौगोलिक संकेत जो कि जी आई टैग होता है, वो सबसे पहले दिया गया था 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बी डी ओ के एग्जाम में जो कि UPSSC कराई थी, और उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इस समय स्लोगन क्या है, तो जी आई टैग का जो स्लोगन है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।